सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भिवानी के नथुआस गांव में, जित दूध फ्री में मिल रहा है, जित दूध मोल नहीं दिया जाता। अगर आप आड़ा दूध लोगे तो आड़ा फ्री में दूध दे देंगे, लेकिन मोल दूध नहीं देंगे। एक बार यो गांव आप देख सको हो, जरा फ्री में दूध मिला है और मंदिर है, और ये गांव वो है जिसमें फ्री में दूध दिया जा है। तो ताऊ और आड़ा बैठे हैं, ताऊ और बात करेंगे। हमने रास्ते में एक ताऊ भी मिला था, तो उसने मारते बताया कि आड़ा फ्री में दूध दे देंगे, आपस में उधारा दे देंगे, लेकिन मोल दूध नहीं देते। अगर किसी ने मोल दूध लेना है तो दूसरे गाँव के आसपास जो गाँव है उड़े तो लेना पड़ा है। तो ताऊ और पूछेंगे भी यह परंपरा कत चलती आ रही है कि फ्री में दूध आड़ा मिल रहा है, और क्यों चलती आ रही है, इस बात पर क्यों ऐसा है कि भाई लोग आने दूसरे गांव में जाना पड़ा है मोल दूध लेने खातर, अगर लेना है तो यहाँ तो फ्री में दूध लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। मैच तो अड़बंदी दिखा है, मैच तो खूब ले रहे। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? ब्रह्मपाल। ताऊ कितनी उम्र होगी? 75 साल है। 75 साल होगी। क्या करा करते खेती बाड़ी? ना मिलती था। अच्छा, तो बताओ अड़ा फ्री में दूध क्या था देवे है? पैसा मोल कौन दे फ्री में, आपस में जो भाईचारा में कोई दे दे तो दे दे है, वो तो फ्री में हो गया फिर। हाँ भाई, उधारा हो कैसे मान लो, उधारा हो कहले फ्री में कहले, पर मतलब यो है कि भी पीछे हम दूध देवे को ना कौन दे। इब रास्ते में हमने एक ताऊ फेटा, डोली ले रहा था हाथ में, नु बोले बेटी अगर हमने दूध मोल लेकर आना तो आसपास के गांव में तो लेकर आना पड़ा है। बोले अपने गांव में तो फ्री में तो दे देंगे आपस में, हां अपर मोल नहीं देंगे। नहीं देंगे तो क्या था ना देते ताऊ? ये कोई बाबा ही मानता है। कितने साल आते हैं भाई? हम नारा तो पहले की बात है, कई साल सैकड़ी साल 100 साल तो हो गए ना। गांव बसा नहीं, गांव तो हाँ हाँ बाद में मतलब बीमारी आ गई पशुओं को। अच्छा, तो बाबा ने बंधन बांध दिया भाई, दूध नहीं बिकेगा गांव में। बाद में कईयों ने कोशिश करी बेचने की, बाहर जाके जैसे भिवानी में कर ली डेरी, और कहीं जो फौज में है या कहीं सर्विस में है ले गए, उनने क्या किया भाई वो भैंस बीमार होने लगी, दूध से लात मारने लगी, दूध दिया नहीं। उसके बाद में बस गांव में बंद नहीं है, नुकसान पूरा ही नुकसान हो जाए। तो देख गांव में तो देते नहीं, अगर आड़े का आदमी कोई बाहर जाकर दूध का काम करे तो वो भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकता। जैसे पुलिस में थे हमारे सर, मैं फरीदाबाद में था आर्मी में, एक लोहार का था इलेक्ट्रिशियन बिजली में, मैं वो भैंस नहीं ले जाए ना, और भैंस के ऐसे ऐसे दूध की ड्यूटी फट गई। अच्छा, हाँ दूध बेचना शुरू किया था उसने, दूसरी भैंस लेगा उसका बेचा, वो भी रात मार गई, तो कौन ही कामयाब होता। बार कोशिश करके देखी है? देखी है, हाँ थोड़ी नहीं खूब देखी है। वो खेतों में कहीं कहीं बांध दी डेरी करी, लेकिन उनको कहीं बांध रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं है। तो वो अड़े का मतलब नथुआस की अगर बात करें तो नथुआस का गांव मतलब कोई भी आदमी दूध का व्यापार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो यह मतलब बख्शीश है? हाँ बख्शीश है, बख्शीश है बाबा। कौन सा बाबा है वो? बाबा फूलपरी। फूलपरी तो उससे बंधन बांधे थे? हाँ उससे बांधे थे। तो अभी तो गुजर गया होगा वो, काफी साल हो गए। अच्छा, मतलब वो आपके दादा ताऊ के टाइम तय चली आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो देखो यो वो गांव है, उन ताऊ और तभी पूछेंगे, ताऊ और के कहेंगे कत चली आना गरी है। ए ताऊ राम राम। राम राम। के नाम है ताऊ? ईश्वर। ईश्वर। तो ताऊ मतलब मैच तो रखे हैं सारे? मैच वाडा जी। और मैच तो पूरी रखा हूं रे नबीवाणी करने भी। बिल्कुल। अब दूध कोई नहीं बेच सकता? दूध कोई नहीं देता। बहुत संगत अपना घर में भी दूध देते हैं। बोथा गुड़गड़ी सांग कुछ भी नहीं हो सकता, माउस नाल भी कौन जोड़न बैलन। बोथा मतलब बोथा कौन बैल पड़ता हुआ है? बांधने कौन दे? समझ को मान बब्बा की बात। बब्बा की है सब के में। अच्छा हां जी। अच्छा की बताया? हां गुड़गड़ी। गुड़गड़ी बाजार है, बाजार मदारी वो भी नहीं बजा सकते। अच्छा बोथा नहीं बांध सकते, माउस ने ये हल उल जोड़े हैं सब जोड़े गणी मारा बल्ला मजुआ भी कौन दे रहा? दोगड़ दगड़ ये नहीं ले आऊंगे। अच्छा दोगड़ दो पानी के मट्ठे ले आऊंगा। हां वो कौन ले आऊं? बंधने लाद रखी है, बंधने बाबा ने बोल पर। हां सारी बाबा की और सारा लाव है। अच्छा बाबा खूब जुगर ताऊ ने बताई भी कई ने व्यापार करके भी देखा। हां करें कोई कामयाब कोने की यही महेश के थण गए कि या के मंगाया कि या के मंगाया। लोग वो था भी नहीं मानते हैं बाहर से कोई बांधनी आ जाए उन्हें उन्हें कोई वाइट लगांग डांग ले तेरी। अच्छा हां जी जो बाहर से कोई बांध के आ जाए हां धोती बना ले। हां लंगड़ ला ली।
मतलब आए तो थे न्यू अखबी आड़ फ्री में दूध मिल रहा है इस काम में, एक यह चीज़ तो हमने सुनी थी पहले भी नथुआस में, लेकिन आड़े आने के बाद और भी कई चीज़ों का बेरा पट्टा, अगर सिर्फ यह या मानता नहीं है अगर दूध नहीं बेचना, इसके लिए और भी कई मानता है जो नहीं करी जाती है, जो पुराने समय तक बाबा होया करता तो पशुओं में बीमारी आ गई थी तो हाँ आ गई थी, मतलब सारे पशु मर गए थे ना, वो बीमारी आ गई थी कि हम लहू आ गया, हाँ लाज बाबा ने फिर तला काटे छड़का मारिया था। अच्छा उसके बाद ठीक हो गए? हाँ गाँव में आए गए 24 घंटे आए चूल्हा कोई कुछ भी नहीं जलिया था सब बंद, आए बाढ़ दिए छोरी ने बाहर के बाहर अंदर के बाहर के बाहर भीतर के भीतर कोई भीतर आना जाना नहीं, बाबा ने बुला जा देख लिया भाई आग बड़ा किसी का तो आग बड़ा दी भाई बोले उन्होंने बुझा के आओ उड़े थे फिर दो रहे बैठे और पहले तो और गाना बताओ अपंग बताओ बाबा यो। अच्छा मतलब आज भी पूरे गांव में माना जा खूब छठा भी नाड़ा भंडारा है डेरा बाबा का। हाँ यो रहा बुरा है बाबा का डेरा है तो यो वो डेरा है मतलब जिस बाबा ने फुल्लू फुलपरी 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 तो फुलपरी बाबा है मतलब जिसकी मानता चली आ रही है जिसने मतलब दूध तय बोथे तर कई चीज इसी है अगर जो मतलब गांव में करिए नहीं जाती और साथ में वो लगता डेरा भी है जहां पर हम पहुंच गए हैं तो ताऊर ने बताया है ये ताऊर ताऊ ठीक से है ताऊ तो कुछ सोच ही में हो रहा है के बताना है के सोच में हो रहा ताऊ के बोरे हाँ भाई कपास बाजरा है हर वो सुकन लाई रही है पानी नहर में नहीं आया ताऊ भी वाणी करने पानी पात कम है वरे ना सही बात है ताऊ ने तो उसकी चिंता हो रही राम 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 भाई सुनाई नहीं करता दिलबाग तो मतलब कद न्यू नहीं होता क्योंकि बहुत सारे घर में अपने आड़े नथुआस ना छोड़ के सारे काम दूध दे दें घर के खर्चे चल रहे हैं महाराज इस तरह ब्याह शादी हो जाए ना तो मतलब कितना दूध इकट्ठा कर लिया मैं आपस में हाँ और बाकी जिस तरह को नहीं सोच रहे मोल ले आऊँगा मोल बहन दे ले आवा या दूसरे काम से ले आवागे आड़ नहीं मिलेगा तो आपस में तो हाँ कितना कर लो से हाँ ब्याह भी वो थोड़ी का हो या जितना कितना कर लो से और बाकी इतना मोल नहीं मिलेगा ना हाँ और बाकी ये जो तहमन तहमन है ये सांग सूंग भी नहीं होगा गुड़गुड़ी नहीं बजेगी ना दोगड़ नहीं आओगी सारे हाँ ना बोथा बन जाएगा तो मतलब ये इतने साल तो चलती आ रही है हाँ हमारे बड़े आगे से चलती आ रही है मतलब नए बालक भी इस चीज़ ने फॉलो कर हाँ कर रहे हैं जी। अच्छा हाँ मतलब किसी बालक ने मतलब क्योंकि नई जनरेशन थे इन चीज़ों ने बहुत कम मानना है हाँ कम मानना है एक दोनों करिए करा था यो काम भी मतलब एक दोनों कोशिश करिए कि हम बेचेंगे दूध अरे एक दो जरा बोले हम ले आएंगे वह महज खराब होगी बंद कर दिया फिर उसने हाँ कहे है तो मान्य नहीं ना महेश खराब होगी फिर आप अपने आप को छोड़ दिया उसको तो मतलब देखो ताऊ और इस चीज ने देखते आन लाग रहे हैं दादा ताऊ और सुन लाग उसकी भी सुनेंगे ताऊ तेरी तो ना तो आस में बीजेपी सरकार की सुनाई नहीं हो रही है तो यू वो गांव है यो वो डेरा है जिस बाबा ने मतलब बंधन बांधे थे और या कदे थे गांव में चलती आ रही है और मतलब दूध की गेले गेले हमने और भी चीज़ों का बेरा पट्टा है तो मतलब ब्याह शादी में अगर दूध इकट्ठा करना हो दूध चाहिए तो बाहर से मोल लेकर आवेंगे गांव में दूध मोल नहीं मिलेगा आपस में दे देंगे फ्री में लेकिन मोल दूध नहीं मिलेगा तो इसे गाँव के बारे में जित मतलब या चलती आ रही है प्रथा कदे थे और बहुत सारे लोगों ने कोशिश करके भी देखी है दूध बेचा जा या डेयरी करी जा क्योंकि दूध एक व्यवसाय है तो लोगों ने करके भी देखा वो व्यवसाय लेकिन कामयाब नहीं हुए तो इस मान्यता के बारे में कि लगातार गांव इस मान्यता ने जो नई जनरेशन है वो भी फॉलो कर लाग रही है तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइयो और तस्वीर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई अचरज की चीज़ है कि सुनकर अचरज हो क्योंकि अगर आप नथुआस की अगर बात करें तो सुनकर एक अचरज होगा कि फ्री में दूध मिल रहा है अरे दूध नहीं देते अगर मोल लेना था दूसरे गांव से लेना पड़ेगा तो अगर आपके गांव में भी कोई अचरज की ऐसी चीज़ है तो ज़रूर बता दियो कमेंट बॉक्स में और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो अपनी राय ज़रूर दे दियो फिर मिलेंगे जय हिंद।